अस्सलाम वालेकुम। हम लोग सहरी करके सो गए थे क्योंकि आज है हमारा यौमे अरफा का रोज़ा। तो जो हमारे मुस्लिम व्यूवर्स हैं उन्हें तो मालूम होगा, और जो नॉन मुस्लिम हैं उन्हें मैं बता दूं कि बकराईद के एक दिन पहले रोज़ा रखते हैं। और फिर हम मार्केट आ गए थे किसी काम से। ये वाली ना, अच्छा में कोई ब्रेसलेट दिखा दीजिए, बस ब्लेंडर ही दे दो। कोई और कलर नहीं है? सारे यही, सब यही कलर है। और कुछ? ब्लेंडर मिल गया आपको? हाँ मिल गया। ओ एक वो दे दो, इंस्टेंट खाली। ये वाला पैक काला तो नहीं पड़ेगा जल्दी? आज जो सी लोग अभी जो मार्केट गई थी तो क्या क्या लेके आई है मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगी। और ये लाएंगी सी नाइफ, और ये चार छानने वाली छन्नी, और ये है सोप हमारा, और ये क्या है? ये रूम फ्रेश वो है, मेरे बाथरूम के लिए फ्रेशनर वाला, बाथरूम का फ्रेशनर, बाथरूम फ्रेशनर। कलर लाए हैं बालों में नानू के लिए, बस। हाँ हाँ लिफाफा खोलो ना, ये ब्यूटी ब्लेंडर है, ये सौंफ गरी, और वो है इसी पॉलीथीन में डाल देना, नहीं उड़ जाएगी पॉलीथीन। अब ईद में ये ना हो तो मज़ा ही नहीं आता है ना, खाना खाने के बाद कुछ अच्छा सा होना ही चाहिए। जी जी बिल्कुल। ये बिस्मा की फ्रॉक है, दिखाओ। मंगवाया था ऐसे, पूरा मत खोलना, बस ऐसे दोनों अलग अलग दिखा दो। एक ये फ्रॉक और एक दूसरी वाली दिखाओ, ये वाओ। एक खाकर बताओ कैसी, कपड़े में मत लगाना, खट्टी है ये वाली खट्टी। चलो और दिखाओ। अब ये हुदा का सामान निकला, अभी तक सबसे लास्ट हुए, अब हुदा का रिएक्शन देखते हैं। आराम से, बस बस उसमें भी कुछ नहीं है, बस में दिखाओ। ये देखिए बस। और ये किसी को देने के लिए अम्मी सूट लेकर आई हैं, कोई है दिखाओ, थोड़ा सा बाहर निकालो। अच्छा है सूट, कॉटन का, बहुत प्यारा। इसमें कलर कितना फोन में डल आ रहा है, वैसे एकदम डार्क वाला ऑरेंज है। हाँ डार्क तो बहुत है गाइस। यहाँ पर ये बना रही है सिवैया, बकरी बकरी। मैं लगा रही हूँ बाहरी वाले रूम में पोछा, और बस जल्दी जल्दी से सफाई करके। अभी कलेजी बनी नहीं थी, अभी कलेजी बनी नहीं है, कुर्बानी नहीं हो पाई अभी ना, कुर्बानी अभी नहीं हुई है। और चलिए हम लोग नाश्ता करते हैं अभी, मुझे तो भूख लगी। अभी मैंने कुछ चीज़ें खाई लेकिन पेट नहीं भरा। चलो खाते हैं, खाते हैं।
ये आ गए हैं मेरे ट्यूशन के बच्चे, ये हैं अशरफ, फिज़ा, हुदा तो बैठी है, यूसुफ। अभी जोया आहिल नहीं आए ना, कहाँ है जोया आहिल? मिले थे तुम लोगों को कि नहीं मिले? अच्छा जी, तो कलेजी हमने यहाँ पर विनेगर से वॉश करके रख लिया है, आप लोग को भी पता होगा कैसे वॉश होता है। और यहाँ पे हमने निकाल लिया है ये होममेड गरम मसाला, नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, भुनी हुई कुटी हुई धनिया है, ये अदरक लहसुन का पेस्ट हमने इसमें रख लिया था, और ये कुछ खड़े मसाले हैं, और ये प्याज है। प्याज कलेजी में थोड़ी ज़्यादा लगती है। और ऑयल हमारा मस्टर्ड ऑयल गर्म हो गया, इसमें डाल देंगे हम खड़े हुए मसाले और डाल देंगे प्याज। प्याज गोल्डन ब्राउन होने के बाद डाल देंगे इसमें ये ड्राई स्पाइसेस जो मैंने अभी आपको दिखाया था, और इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और थोड़ा पानी डाल के इसे अच्छे से भून लेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप सबको ईद मुबारक। और बस ईद का दिन आधा बीत गया है, शाम के बज रहे हैं 3-4, अब मुझे जाकर टाइम मिला है आप लोगों से बात करने के लिए। मैंने सोचा ईद को आप लोग को विश करना ही है, तो बस मैंने ईद विश करने के लिए फ़ोन उठा लिया था। और आप, आई होप आप लोग की ईद बहुत अच्छी हुई होगी, और कुर्बानी काफ़ी लेट हो गई थी इसलिए काम देर तक हुआ, काम बढ़ गया था, अभी बस जस्ट लंच बनकर रेडी हुआ है, और मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से बात कर लूँ थोड़ी सी। तो बस आई होप आप लोग बहुत अच्छे से इंजॉय कर रहे होंगे अपने घरों में ईद। और ये देखिए मेरी मेहंदी इतनी डार्क नहीं हुई, पता नहीं क्यों शॉप पे वो शॉप वाले भैया ने शायद पुरानी मेहंदी दे दी थी, इतनी डार्क नहीं हुई। और इतना लेट हो गया था रात में घर के और काम और तैयारी करते करते कि मेहंदी लगाने का दिल ही नहीं हो रहा था, और हम लोग अप्पी का वेट कर रहे थे कि अप्पी आएंगी तो वो मेहंदी लगा देंगी, क्योंकि मुझे इतनी अच्छे से मेहंदी लगानी नहीं आती है, बस काम चलाओ हम मेहंदी लगा लेते हैं किसी तरह। हुदा को थोड़ी बहुत लगा दी थी और मैंने भी थोड़ी सी लगाई है, लेकिन वो कलर भी उसका नहीं आया, तो बस अच्छी नहीं लग रही मुझे बिल्कुल भी। और ये देखिए आप लोग, हुदा की मैंने लगाई थी मेहंदी, इसकी भी ज़्यादा डार्क नहीं हुई, वो शॉप वाले भैया ही नहीं लग रहा पुरानी मेहंदी दे दी है, ये तो डार्क हो गई मेरी, ये नहीं। और हुदा ने अपने कपड़े चेंज कर लिए हैं, बहुत गर्मी हो रही थी इसने कहा हल्के कुछ पहनना है, तो इसने फ्रॉक चेंज कर लिए। और बस ये था मेरा ईद का आज का आउटफिट, गर्मी के हिसाब से मैंने बहुत ही हल्का सा सूट बनवाया था, और इसकी स्लीव्स में आस्तीन कुछ इस तरह से, स्लीव्स में डिज़ाइन इस तरह से कुछ बनवाई थी, और बहुत ही सिंपल सा बस इसमें मैंने प्लाजो और कुर्ता बनवाया था। और कल के लिए भी मैंने एक सूट बनवाया, वो भी कॉटन का ही है, ये रेयन पर है। तो बस आप लोग बताइएगा कि आप लोग की ईद कैसी गई और मेरा सूट कैसा लग रहा है। आई होप आप लोगों को, आप लोग की ईद बहुत अच्छी गई होगी। तो बस देखते हैं आगे क्या होता है, मिलते हैं आपसे कुछ देर बाद। तो घर मतलब भाई फेस नहीं है, हाँ हाँ बना रहे, कुछ कंटेंट चाहिए ना, बकराईद का चम्मच। अरे हाँ, पास हो आहत दादी के पास हो, आहत दादी के पास हो, दादी के पास हो, खुदा इत पकड़ाओ कोल्ड ड्रिंक, ये कौन देख रहा है। और फिर हो गया था डिनर टाइम, सबने डिनर किया, और माशाल्लाह से ईद का पहला दिन बहुत अच्छे से गुज़रा। आई होप आप लोगों का भी बहुत अच्छे से दिन गुज़रा होगा ईद का। तो नेक्स्ट व्लॉग फिर आएगा सेकंड और थर्ड डे का, ये व्लॉग लेट हो गया था, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।